रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे इस मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर कयामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। मैंने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चार हदीसें बयान करते हुए सुना जो मुझे बहुत पसंद आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अपने शौहर या किसी ज़ी रहम महरम के बग़ैर दो दिन का भी सफ़र ना करे, और दूसरी ये कि ईदुल फितर और ईदुल अज़हा दोनों दिन रोज़े ना रखे जाएं। तीसरी हदीस ये कि सुबह की नमाज के बाद सूरज के निकलने तक और असर के बाद सूरज छुपने तक कोई नफल नमाज न पढ़ी जाए। चौथी ये कि तीन मस्जिदों के सिवा किसी के लिए कजावे ना बांधे जाएं, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी।